हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज हम पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। अ कैपिटल लेटर इज रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अ फुल स्टॉप इज गिवन एट द एंड ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, आपका जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और जब आप अपने सेंटेंस को एंड कर रहे हो तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? फुल स्टॉप का यूज़ करोगे कि आपका एक सेंटेंस या आपकी एक स्टेटमेंट जो हो चुकी है वो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। द सिंगल वर्ड आई इज़ ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। अब आई वर्ड कहीं भी आए, आई लेटर कहीं भी आए, उसको आपने कैपिटल फॉर्म में ही लिखना है। द वर्ड गॉड ऑलवेज बिगन विद कैपिटल लेटर्स। अब जो गॉड वर्ड होता है वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स एक्सेट्रा ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अब कुछ स्पेशल पर्सन का नाम हो गया, या किसी जगह का नाम हो गया, किसी एनिमल का नाम हो गया, किसी थिंग का नाम हो गया, वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। पीपल्स टाइटल, जैसे कि मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर, ये भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। द नेम्स ऑफ द डेज एंड द मंथ्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अब जो डेज होते हैं या फिर हमारे मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, डेज जितने भी हो गए हमारे, संडे, मंडे, ये भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। अ सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और अ एक्सक्लेमेशन मार्क। सेंटेंस जो होता है वो आपके स्टेटमेंट के हिसाब से या तो फुल स्टॉप से एंड होगा या फिर क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, अगर आप उसमें कुछ इमोशंस शो कर रहे हो तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा आप सेंटेंस के एंड में लगाओगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब हम जानेंगे कि कॉमा और क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क, वी यूज़ अ कॉमा टू इंडिकेट अ स्लाइट पॉज इन अ सेंटेंस। हम सेंटेंस में कॉमा का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हमें पॉज दिखाना है। जो फुल स्टॉप होता है वो तो एंड हो जाता है, लेकिन कॉमा एक छोटा सा पॉज हमें देने के लिए यूज़ करना पड़ता है। वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है ताकि हम बता रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन में या इस सेंटेंस में कुछ पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, आई बॉट अ पेन, अ पेंसिल एंड अ स्केल। ये हमने एक स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है, कि मैंने एक पेन खरीदा, कॉमा, एक पेंसिल खरीदी और एक स्केल खरीदा, फुल स्टॉप। अब हमने पेन के बाद कॉमा लगाया, क्यों? क्योंकि हमें एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताना है, तो हम पेन के बाद कॉमा लगाएंगे। हम जो भी चीज़ पहले यूज़ कर रहे हैं उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम दूसरी चीज़ के बारे में बताएंगे और फिर तीसरी चीज़ के बारे में, इस तरह से। सेकेंड है आपका, व्हाट इज़ योर नेम। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो आपको कॉमा और क्वेश्चन का, क्वेश्चन मार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपोस्ट्रोफे। इन अ रिटन कंपोजिशन वी यूज द फुल फॉर्म ऑफ वर्ड्स, बट इन स्पीच एंड फ्रेंडली लेटर्स वी ऑफन शॉर्टन मैनी वर्ड्स बाय यूजिंग द अपोस्ट्रोफे। अब कुछ कंपोजिशन में हम लेटर या वर्ड की फुल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे हम उसको शॉर्ट दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। अब अपोस्ट्रोफे के हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। द टेबल बिलो शोज द फुल फॉर्म एंड द शॉर्टेंड फॉर्म्स। जैसे कि डू नॉट, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया शॉर्ट करके डोंट, तो हमने डी ओ एन के बाद अपोस्ट्रोफे लगाकर टी लगा दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। ऐसे ही इट इज़ को हमने इट्स बना दिया, हमने इट के बाद अपोस्ट्रोफे लगा के एस लगा दिया, हमने उसको इट्स बना दिया। साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, इज़ नॉट को इजेंट बना दिया, हमने आई एस एन लिख कर अपोस्ट्रोफे करके हमने टी लिख दिया अपोस्ट्रोफे के साथ। आई हैव के बाद हमने क्या किया, आई के साथ हमने अपोस्ट्रोफे लगा के वी ई लगा दिया, तो इसको भी हम पढ़ेंगे तो वही आई हैव, लेकिन हमने इसको शॉर्ट कर दिया अपने सेंटेंस को शॉर्ट दिखाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए। शी विल के साथ हमने क्या कर दिया, शी के साथ अपोस्ट्रोफे लगा के हमने आई एल लगा दिया। आई एम के साथ हमने आई एम, आई के बाद हमने क्या कर दिया, अपोस्ट्रोफे लगा दिया और एम लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, डज नॉट, डजंट कर दिया,
हैज नॉट हैजंट कर दिया, ही इज हीज कर दिया, यू हैव के साथ हमने अपोस्ट्रोफ लगा दिया यू के साथ, तो हमने हैव का फुल फॉर्म ना लिख कर हमने उसको वी ई लिख दिया. दे विल, देल, विल नॉट, वोंट. इतना आपको समझ में आ गया. द अपोस्ट्रोफ इज ऑल्सो यूज टू शो पोजेशन. पोजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, पोजेशन का मतलब होता है कब्जा करना या हक करना, किसी चीज़ पे अपना हक जताना, तो उसके लिए भी हम अपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं. द अपोस्ट्रोफे इज यूज विद एस टू गिव द मीनिंग बिलोंग्स टू, मतलब ये चीज़ हमसे बिलोंग करती है, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए हम अपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल करते हैं. इन द केस ऑफ सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस, वी पुट एस आफ्टर द अपोस्ट्रोफे. कुछ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बाद हम एंडिंग में हम उसकी बिलोंगिंग को शो कर रहे होते हैं, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफे एस. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं विशाल्स पेन. अब जो एक पेन है वो किसका है, विशाल का है, तो हम विशाल के साथ अपोस्ट्रोफे यूज करके एस लगा देंगे. चिल्ड्रंस टॉयज, चिल्ड्रंस हैं, अब वो टॉयज किससे बिलोंग करते हैं, चिल्ड्रन से बिलोंग करते हैं, तो हम चिल्ड्रन के बाद अपोस्ट्रोफे लगाकर एस के साथ हम टॉयज का इस्तेमाल करेंगे कि वो टॉयज जो है चिल्ड्रंस को बिलोंग करते हैं. इन द केस ऑफ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, वी पुट द अपोस्ट्रोफे आफ्टर द एस. अब जैसे प्लूरल में हम क्या करते हैं, हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं, ठीक है. अब हमें यहाँ पे अपोस्ट्रोफे और एस लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे द गर्ल्स स्कूल. अब हमने गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, उसके साथ ही हमने अपोस्ट्रोफे जोड़ दिया, क्योंकि एस एस हम दो बार नहीं लिख सकते, तो हमने गर्ल्स के मतलब एस के बाद अपोस्ट्रोफे लगा दिया. ऊपर वाली सिचुएशन हमने क्या किया, एस से पहले अपोस्ट्रोफे लगाया. नीचे वाली सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब हम बहुत सारे लोगों को दर्शा रहे हैं तो हम गर्ल्स यानी कि एस के बाद अपोस्ट्रोफे लगाएंगे. द गर्ल्स स्कूल, वो स्कूल किसका है, लड़कियों का है. द बॉयज बैग, वो बैग किसके हैं, बॉयज के हैं, लड़कों के हैं, तो बॉयज के एस के बाद हमने अपोस्ट्रोफे यूज किया, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. अब आपको इसकी एक्सरसाइज दी है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.